हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले रुचिरा भाग टू का थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर थ्री, और उसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम, अब इसका मतलब क्या होता है? स्वधन अवलंबनम। अवलंबन का मतलब होता है सहारा लेना, हेल्प लेना, और किसकी हेल्प लेना? तो आगे लिखा हुआ है स्व मतलब खुद की हेल्प लेना, अपने खुद के सहारे से किसी कार्य को करना, इसी को ही हम कहते हैं स्वावलंबनम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृष्ण मूर्ति श्री कंठश्च मित्रे आस्ता। कृष्ण मूर्ति और श्री कंठ, चय लिखा हुआ है मतलब, और मित्रे यानी मित्र दोस्त, आस्ताम यानी थे। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों क्या थे? एक दूसरे के मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता मतलब श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध, समृद्ध का मतलब होता है धनवान, पैसे वाले। आसीत यानी थे, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनवान थे, पैसे वाले थे। अतः इसलिए तस्य उसके भवने भवन में सर्वविधानी मतलब सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुख देने वाले जो साधन होते हैं वो आसन थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख देने वाले जो साधन होते हैं वो थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन यानी उसके, विशाले यानी बड़े से भवने यानी भवन में, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत का मतलब होता है 40, स्तंभा मतलब खंबे, आसन थे। उसके बड़े से भवन में 40 खंबे थे। मतलब इस कहानी में ये एक स्टोरी है, इसमें बताया है कि कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ एक दूसरे के दोस्त थे, और जो श्रीकंठ थे उसके पिता काफी धनवान थे, काफी पैसे वाले थे, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन की व्यवस्था थी। और उनके विशाल भवन में कितने खंबे थे, कितने स्तंभ थे? तो चत्वारिंशत मतलब 40 खंबे थे। आगे चलते हैं। तस्य उसके अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, प्रकोष्ठे मतलब कोठे मतलब कमरों में, पंचाशत मतलब 50 गवाक्षहा यानी खिड़किया, गवाक्षहा यानी खिड़किया, चतुश्चत्वारिंशत, चतुश यानी 4, चत्वारिंशत यानी 40, तो 4 और 40 44, चतुश्चत्वारिंशत 44 द्वाराणी, द्वाराणी का मतलब होता है द्वार, गेट, षट त्रिंशत, षट यानी 6, त्रिंशत यानी 30, तो 6 और 30 कितने हुए? 36, तो षट त्रिंशत 36 विद्युत यानी बिजली, व्यजनानी यानी पंखे, बिजली से चलने वाले जो पंखे होते हैं, चय यानी और, आसन यानी थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु उसके 18 कमरों में, उसके 18 कमरों में, पंचाशत गवाक्षा 15 तो उसके क्या थी, खिड़कियां थी, सॉरी 50, पंचाशत 50 तो उसके खिड़कियां थी, चतुश्चत्वारिंशत 44 उसके द्वाराणी गेट थे, और षट त्रिंशत विद्युत व्यजनानी चे आसन, और 36 विद्युत से चलने वाले पंखे थे। ठीक है, तत्र दश सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ती इसमें, तत्र यानी वहां, दश यानी 10, सेवका यानी नौकर, निरंतरम, निरंतरम यानी लगातार, कार्यम यानी कार्य, कुर्वन्ति इसमें यानी करते थे, वहां पर 10 सेवक 10 नौकर हमेशा काम करते रहते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, च का मतलब होता है और, तो माता पिता च, माता और पिता, निर्धनों यानी गरीब, कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। मतलब जो कृष्ण मूर्ति थे उसके माता पिता कैसे थे? निर्धन थे, और कृषक दंपति यानी खेती करने वाले पति पत्नी थे। तस्य गृहम, तस्य यानी उसके, गृहम यानी घर, आडंबर विहीनम साधारण आसीत,
मतलब आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, विहीन मतलब बिना, मतलब उसके घर पे किसी प्रकार का कोई दिखावा और दिखावा नहीं था, और साधारण, और वो लोग साधारण थे। कौन? कृष्ण मूर्ति। जो श्रीकंठ थे वो तो काफी अमीर थे, उनके इतने सारे अस्तादस मतलब 18 उनके कमरे थे। उन 18 कमरों के अंदर उनके 50 तो खिड़कियां थी, और 44 उनके गेट थे, और 36 उनके पंखे थे, और 10-10 उनके नौकर काम करते रहते थे। लेकिन जो कृष्ण मूर्ति नाम का उनका दोस्त था, उनके माता पिता कैसे थे? निर्धन थे, और वो खेती किया करते थे, बिल्कुल साधारण लोग थे। आगे चलते हैं। एक दिन श्रीकंठ तीन उसके सह साथ प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य उसके गृहम घर अगच्छत। मतलब एक दिन श्रीकंठ कौन? वो अमीर वाला, ठीक है। एक दिन श्रीकंठ तीन सह उसके साथ, किसके साथ? किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः के सुबह 9 बजे उसके घर जाता है। किसके घर जाता है? तो कृष्ण मूर्ति के घर जाता है। एक दिन सुबह 9 बजे कौन? श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर जाता है। तत्र वहां कृष्ण मूर्ति तस्य उसके माता पिता च, माता और पिता स्वयं शक्तया मतलब स्वयं यानी अपनी शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, मतलब जितना वो कर सकते थे उसके अनुसार। श्रीकंठ का आतिथ्यम, आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कार करना, ठीक है। आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन यानी करते हैं। कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ के आतिथ्य करते हैं, मतलब उसका अतिथि सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, एतत् यानी ऐसा, दृष्ट्वा यानी देखकर श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ऐसा देखकर श्रीकंठ अकथयत कहते हैं। एतत् यानी ऐसा, श्री दृष्ट्वा यानी देखकर, श्रीकंठ यानी श्रीकंठ, अकथयत यानी कहता है। मित्र, अरे दोस्त, अहम मे, एकथियत कहता है, मित्र दोस्त अहम मे भवताम तुम्हारे सत्कारेण, सत्कारेण से मतलब तुम जो आतिथ्य कर रहे हो मेरा, मुझे पानी पिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, नाश्ता करा रहे हो, जो अतिथि सत्कार कर रहे हो मेरा, उससे संतुष्ट हो अस्मि, संतुष्ट हूँ मतलब प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारा अतिथि सत्कार अच्छा लगा, ठीक है। आगे केवलम इदम एव मम दुखम यत, केवलम यानी केवल, इदम यानी यह, एव यानी ही, केवल यही मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख, यत यानी कि मेरा केवल यही एक दुख है। कि अब क्या दुख है वो बताता है आगे। तव गृहे, तव यानी तुम्हारे, गृहे यानी घर में, एको यानी एक, अपि यानी भी, एक भी, प्रत्यय यानी नौकर, नास्ति यानी नहीं है, मुझे सिर्फ इस एक बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। ये कौन कहता है? श्रीकंठ कहता है। किससे? मम सत्काराय, मम यानी मेरे, सत्काराय यानी सत्कार के लिए, भवताम यानी तुमने, आपने, बहु यानी बहुत, कष्टम यानी कष्ट, जातम यानी हुआ मतलब मेरे सत्कार के लिए, कि आपके घर पर कोई आया है और आप गरीब हो तो आपने कितनी मेहनत करके, कैसे कैसे व्यवस्था करके जो कष्ट किया है वो मैं जानता हूँ। मम गृहे, मेरे घर में, तू यानी तो, बहवे यानी बहुत से, कर्म करा संती, मेरे घर में तो बहुत से कर्म करा यानी नौकर, संती यानी है, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर है, लेकिन तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ा? मेरा अतिथि सत्कार खुद से करना पड़ा, तुम्हारे मम्मी पापा को करना पड़ा, इसलिए मुझे सिर्फ इसी एक बात का दुख है। आगे
तदा, तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति एवदत्, तदा यानी तब, ये सब सुनकर, ठीक है, तदा यानी तब कृष्णमूर्ति एवदत्, यानी बोलते हैं, तब कृष्णमूर्ति बोलते हैं, मित्र हे मित्र, मम अपि, मैं भी, अस्तो मेरे भी, अस्तो यानी आठ, कर्म करा यानी नौकर, संति यानी है, मित्र मेरे भी आठ नौकर है, ते च वे सब, और वे, दौ पादौ, दौ यानी दो, पादौ यानी पैर, द्वव यानी दो, हस्तो यानी हाथ, द्वव यानी दो, नेत्र यानी आंखें, द्वय यानी दो, श्रोत्र यानी कान, मतलब मेरे भी। तो ये सब सुनकर कृष्णमूर्ति बोलता है कि नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी आठ नौकर हैं। कितने नौकर हैं? आठ। और उसने कौन कौन से नौकर बताए कि दो तो मेरे पैर हैं, दो मेरे हाथ हैं, दो मेरी आंखें हैं और दो मेरे कान हैं, ये सभी मेरे नौकर हैं। एते एते यानी ये सब, कौन सब? ये जो आठ नौकर है, एते यानी ये सब, प्रति क्षणम, प्रति यानी प्रत्येक, क्षणम यानी पल, हर समय, हर समय हर पल, मम यानी मेरे सहायका, और ये सब हर समय मेरी सहायता करते हैं, हर पल हर समय मेरे साथ रहते हैं, तो हर समय मेरी सहायता करते हैं। आगे, किंतु तव भृत्या, किंतु यानी लेकिन, तव यानी तुम्हारे, भृत्या यानी नौकर, एक सेकंड, किंतु तव भृत्या, लेकिन तुम्हारे, भृत्या यानी नौकर, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी सभी जगह, च उपस्थिता, उपस्थित यानी प्रेजेंट, भवितुम यानी प्रेजेंट होना, न यानी नहीं, शक्तुम या शक्नुवन्ति यानी नहीं सकते, कि तुम जहाँ भी जाते हो हर समय तुम्हारे पास नौकर उपस्थित नहीं रह सकता, त्वम तु स्व कार्य या भृत्याधीन है, कि त्वम यानी तुम, तू यानी तो, तुम तो स्व कार्याय अपने कार्य के लिए भृत्य अधीन है, मतलब नौकर के अधीन हो, मतलब बिना नौकर के तुम अपना कोई काम नहीं कर सकते, यदा यदा जब जब ते वे सब अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वम यानी तुम, कस्तम यानी कस्तम, अनुभवसि यानी अनुभव करते हो। कौन कह रहा है ये? कृष्णमूर्ति कह रहा है कि तुम्हारे, तुम जहाँ भी जाते हो हर समय तुम्हारे पास नौकर नहीं रहते, इसलिए जब जब तुम उन पे पूरी तरह से डिपेंड हो, लेकिन जब जब वो अनुपस्थित रहते हैं, वो किसी काम से नहीं आ पाते, तो तुम कष्ट का अनुभव करते हो, ठीक है, क्योंकि उसको खुद से अपना कोई काम करना आता ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से डिपेंड है किस पर? अपने भृत्यों पर, अपने नौकर पर। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्व यानी खुद का अवलंबन यानी सहारा, अपने खुद के सहारे से, तो यानी तो, सर्वदा यानी हमेशा, सुखम यानी सुख एव यानी ही होता है, मतलब जब हम खुद से इंडिपेंड होते हैं, हम अपना सारा कार्य खुद से ही कर देते हैं, स्वावलंबन होते हैं, तो यही हमारा सुख होता है, हम हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज की जरूरत है, तो हमारे ये जो आठ नौकर है, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम चाहे जहां भी जाए, ठीक है। न कदापि, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, कष्टम यानी कष्ट भवती, और इसी वजह से हमें कभी कष्ट नहीं होता है। आगे, श्रीकंठ एवदत्, श्रीकंठ एवदत्त, अब श्रीकंठ बोल रहा है, ठीक है, अमीर वाला, श्रीकंठ एवदत्त, श्रीकंठ बोलता है, मित्र अरे मित्र, तव यानी तुम्हारे, वचनानि यानी बातें, श्रुत्वा यानी सुनकर, मम यानी मेरा, मनसि यानी मन, महति यानी बहुत, प्रसन्न जाता यानी प्रसन्न हो गया है, अरे श्रीकर्ण मेरी मित्र, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। अधुना अब अहम में अपि भी स्व अपना कार्याणि सभी कार्य स्वम खुद से एव ही
कर्तुम करने की इच्छा में करता हूँ। आज से मैं अपने सभी कार्य स्वयं ही करना चाहूंगा, मतलब आज से मैं भी अपने सभी कार्य खुद ही करूंगा। भवतु सार्ध दव भवतु ठीक है, सार्ध दव द्वादश वादनम इदम, मतलब 12:30 बजे है, अरे 12:30 बज गए। साम्प्रतम यानी अब, गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ।